नमस्कार, न्यूज बीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। बिहार राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज गांधी जयंती के अवसर पर कहा है कि भारत गांवों का देश है, यह एक किसानों का देश है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को बचाया है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को गलत हाथों में न जाने दें। साथ ही जब उनसे नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य पर जो बात उनसे पूछी गई, जो रिपोर्ट के बारे में उनसे जब पूछी गई, तो उन्होंने इस बात को साफ नकारते हुए उन्होंने इस बात को मोड़ दिया है और उन्होंने यह कहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन पे स्वास्थ्य जैसी छोटी बातों को करना गलत होगा। जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में, आप भी देखिए। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतंत्र समाजवाद जो हमारे बुनियादी सिद्धांत है, जो आज़ादी की लड़ाई के बाद और आज़ादी के पूर्व भी, जिसके लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संघर्ष किया, और ये बिहार की भूमि जहाँ मोहन करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता बनाने का मौका मिला, महात्मा बनाने का मौका मिला, चंपारण की धरती को, बिहार वासियों का और भी बड़ा कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्र को गलत दिशा में न जाने दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिबद्धता है कि गंगा जमुनी संस्कृति को कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे। गुरु गवलकर, सावरकर और गोडसे का ये देश नहीं बनेगा, एक किसानों का भारत है, गांव का भारत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि हम सब संतान हैं और संतानों की प्रतिबद्धता है कि हमारे पुरखे ने जिस भारत के निर्माण के लिए अपनी पूरी जीवन को संघर्ष भर करते हुए जिस गोडसे के हाथ में मारा गया, तो गांधी भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, गांधीवाद इस भारत से कभी विदा नहीं होगा, क्योंकि गांधी आज केवल भारत नहीं दुनिया के मार्गदर्शक हैं। गांधी की सत्य अहिंसा के सामने कोई भी सिद्धांत अब दुनिया का टिक नहीं रहा है। अहिंसा सबसे बड़ी चीज़ और सत्य पर टिके रहने की सबसे ताकत, यही राष्ट्रीय जनता दल की धरोहर है। अब आज पुनः अपने इस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के सामने, चरित्र के सामने प्रतिबद्धता हम सब लोगों ने जाहिर की है। तो आपने देखा कि किस तरह से जगदानंद सिंह ने स्वास्थ्य जैसे मुद्दे को छोटा मुद्दा करार दिया है। तो बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। नमस्कार।